हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल दुष्णा आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एवीटेक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शाओमी के नए स्मार्टफोन एमआई मिक्स 3 के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन आया है, जो कि 5G टेक्नोलॉजी के साथ आया है स्मार्टफोन और बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके सारे स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और क्या कुछ 4G स्पीड 5G स्पीड होगी, इसकी जो क्या कुछ कितनी होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे लेकर आगे तक देखते रहना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें जो शाओमी का नया स्मार्टफोन एमआई मिक्स 3 ये लॉन्च हो चुका है, जो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको इसमें जो डिस्प्ले मिलेगी आपको 6.4 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी। OLED डिस्प्ले जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आती है। बात करें जो ये डिस्प्ले होगी, आपको जो डिस्प्ले होगी आपको 93.4% डिस्प्ले होगी, कहने का मतलब आपको फुल व्यू डिस्प्ले होगी, हल्की सी नॉच देखने को मिलेगी विदाउट नॉच के साथ, बिल्कुल फुल व्यू डिस्प्ले होगी, इसमें नॉच भी नहीं होगी। बात करें इसी कैमरे की तो आपको जो इसमें रियर कैमरा मिलेगा और आपको इसमें डुबल रियर कैमरा मिलेगा 12 मेगापिक्सल का डुबल रियर कैमरा मिलेगा, साथ में आपको एक LED फ्लैश भी मिल जाएगी। बात करें इसके फ्रंट कैमरे की तो आपको जो सामने स्क्रीन होगी बिल्कुल फुल व्यू डिस्प्ले होगी, तो आपको जो इसमें फ्रंट कैमरा होगा वो स्लाइड फ्रंट कैमरा होगा, जैसे कि आपने ओप्पो फाइंड एक्स देखा होगा उसमें जो कैमरा बाहर निकलता है पूरा कैमरा, पीछे से स्क्रीन बाहर निकलती है, ऐसा आपको स्लाइडर कैमरा होगा जो कि वो भी डुबल कैमरा होगा, जो 24 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का होगा, जो कि AI सपोर्ट करता है, तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। बात करें आपको इसमें स्टोरेज की तो ये स्मार्टफोन होगा वो 6GB रैम और 8GB रैम के साथ आएगा, साथ में जो कि इसकी इंटरनल स्टोरेज होगी 128GB और 256GB होगी, साथ में आप इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। बात करें इसके प्रोसेसर की तो जो स्मार्टफोन होगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा, जो कि 5G सपोर्ट करता है, जो 5G सपोर्ट है स्नैपड्रैगन X50 के साथ आएगा, जो कि 5G मॉडर्न है, जो X50 जो 5G सपोर्ट करता है, तो आपको इसमें प्रोसेसर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 वाला मिलने वाला है, जो कि 5G सपोर्ट करती है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है, जो फोन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, हाई गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाली है इसकी। बात करें इसकी आपको एंड्रॉइड वर्जन की तो आपको इसमें एंड्रॉइड वर्जन होगा 9.05 मिल जाएगा। बात करें आपको इसमें डिस्प्ले आपको जिसमें कहने का मतलब आपको इसमें फिंगरप्रिंट मिल जाएगा पीछे की तरफ, ये बहुत छोटी एक गलत बात है कि इन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखा, आपको पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट दिया है। साथ में आपको उसमें USB टाइप सपोर्ट मिल जाएगा, आपको 5G सपोर्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगी आपको उसमें, साथ में आपको उसमें ऑडियो के लिए 3.5mm ऑडियो जैक मिल जाएगा और डुअल सिम मिल जाएगा, और जो इसकी 5G स्पीड होगी इतनी ज़्यादा होगी भैया 4G से लगभग 10 गुना ज़्यादा होगी, कहने मतलब आप जो इसकी 1GB की फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो 2 से 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी, तो भैया फाड़ देना, सब कुछ कर देना अगर आप स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो। बात करें इसकी बैटरी की, जो इसकी बैटरी होगी वो 3800mAh की बैटरी होगी, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 4.1 प्लस के साथ 4.0 के साथ, जो कि बहुत ही फास्ट चार्ज करने वाली है, साथ में जो आपको इसमें फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। बात करें आपको इसकी प्राइस की तो बताई जाए, जो इसकी प्राइस होगी वो लगभग 18,300 रुपये के आसपास होने वाली है, और जैसे MWC में इसको MI Mix 3 के नाम से लॉन्च किया जाएगा, और अगर जब इसे ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा तो इसे MI 9 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में लॉन्च होगा अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इसकी इंडिया में प्राइस होगी वो देखना होगा कितनी प्राइस में आता है, और भैया जो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रख दी गई है 18,000 रुपये, जिसमें आपको न तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और कुछ खास इतना नहीं मिल पा रहा है, तो आप देखना है कि आप इसे लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाता रहूँ।